सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के 4 बज चुके हैं और आज हम मंसूरी के लिए निकल रहे हैं। तो ये हमारा सामान है और हम बस रेडी हैं, नीचे कैब खड़ी है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। तो गाइज, मॉर्निंग के 5 बजे हैं, हमें 1 घंटा हो चुका है ट्रेवल करते हुए। आज का जो हमारा प्लान है उसमें हम उत्तराखंड के चकराता प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। ये अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है उत्तराखंड का। मोस्टली पीपल मसूरी विजिट करते हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही हिली एरिया चकराता का विजिट करवाऊंगी। उससे पहले हम ट्रेवल के ड्यूरिंग पोंटा साहिब गुरुद्वारा भी विजिट करेंगे, जो चकराता से तकरीबन 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो गाइज, ये है पोंटा साहिब गुरुद्वारा, जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आप भी कभी उत्तराखंड आओ तो यहाँ पे जरूर विजिट करना। यहाँ पे गोविंद घाट भी है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है गाइज गोविंद घाट। तो गाइज, पोंटा साहिब गुरुद्वारा एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं चकराता की ओर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्लेस उत्तराखंड का वन ऑफ द टॉप एरिया में से एक है और इसकी ऊंचाई अप्रोक्स 10,000 मीटर है सी लेवल से, और देहरादून यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो हम चकराता जैसे पहुँच चुके हैं। आप यहाँ का एरिया देख सकते हो, ये बहुत ही हिली एरिया है, बहुत ही सुंदर है। इसमें आप घूमने की ये टाइगर फॉल भी यहाँ पे घूम सकते हो। बहुत पुराने मंदिर हैं, एंशियंट मंदिर, परियों का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे आप घूम सकते हो। एक कालसी नाम से प्लेस है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है, जो बहुत ही बढ़िया है। और मेन चीज़, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत बढ़िया है गाइज। अगर यहाँ पे एक ही पल बारिश हो रही है तो दूसरे पल ही यहाँ पे धूप निकल रही है। आप ये वेदर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया वेदर है। तो फाइनली 9 घंटे का ट्रेवल करने के बाद हम कुछ ही देर में अपने होटल में पहुंच रहे हैं।